हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। तो आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक के पार्ट टू की। पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि लॉगरिथमिक से रिगार्डिंग जो बेसिक्स उसके फंडे हैं वो सब हम लोग लॉगरिथमिक के पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ उसके जो एप्लीकेशन है उन जो बेसिक फंडे थे फंडामेंटल्स उसके हम जो बेसिक एप्लीकेशन पर डिपेंडिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है log 1 plus root x base 2 equal to log s base 3 दिया हुआ है। तो find the value of x, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एज वेल एज रिटर्न यहाँ पर किया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम log को कब हटा सकते हैं, यहाँ पर base 3 दिया हुआ है, यहाँ पर base 2 दिया हुआ है, तो जब डिफरेंट बेस दिया हुआ है तो हम log को नहीं हटा सकते ना। तो हम क्या कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया थी कि यहाँ पर दिया हुआ log, जैसे कि log a दिया हुआ है, यहाँ पर बेस b दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं log b into a equal to क्या होता है 1 होता है ना, ये कंडीशन होती है एक, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि log जो a दिया हुआ बेस b दिया हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि यह log 2 था तो हमने 2 को हमने 3 में चेंज कर लिया, ठीक है। तो log 3 1 plus root x into log 3 अपॉन ये 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज कर लिया, log 3 में चेंज कर लिया, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमने इसे चेंज किया। तो देखिए, जैसे कि इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मैंने इसको इसको लिखा जैसे log दिया हुआ है log 2 और यहाँ पर दिया हुआ 1 प्लस रूट एक्स दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं log 1 प्लस रूट एक्स अपॉन में log 2 लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है। लेकिन मुझे क्या है, ये यहाँ पर 3 दिया हुआ था उसको, तो इसको 2 जो log है यहाँ पर जो 2 log है इसको 3 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया कि ऊपर और नीचे log 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, इसको और इसको ले लिया और जो बचे इनको इनको ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो जिस तरह से इसको एक्सपेंड करके मैंने ये लिखा हुआ था ना, अब इसको कम मिनिमाइज करके हम लिख लेंगे ऐसे, तो 1 प्लस रूट एक्स हो जाएगा अपन मुझे 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर 3 बेस आ जाएगा, है ना, इनटू में यहाँ पर log ये 3 और बेस 2 आ जाएगा, ठीक है, इससे और इससे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया यहाँ से, ठीक है, और जो हमने एज वेल एज रखा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर log 3 हो गया और ये log 3 बेस दिया हुआ है, तो दोनों का बेस जो इक्वल है हमने एक वन साइड लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है log 3 बेस 2, तो इसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो हमारा log 3 बेस 2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 1 अपॉन log 2 बेस 3 होगा। तो यहाँ पर जो इक्वल आएगा तो यहाँ पर जो बेस हो जाएगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर बेस 2 था यहाँ पर बेस 3 हो जाएगा। किस फॉर्मूले से, हमने इस फॉर्मूले से इसको लगा दिया हमने, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो हमारे यहाँ पर log 3 हो गया, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, अब इसको हमने किस तरह से लिख लिया, ये वाला हमने कंडीशन लगा दिया हमने, ये वाला कि log a बेस b दिया होता है तो हम क्या लिख लेते हैं उसे, log a अपॉन log b लिख लेते हैं। लेकिन अगर log a अपॉन log b लिखा हुआ तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो सेम हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस रूट एक्स और बेस में एक्स हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या ये वाला आ जाएगा ना, हाँ। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया इक्वल टू log 3 log 2 बेस 3 हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने, अब यहाँ से हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए दोनों को बेस हमको इक्वल बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये log 2 दिया हुआ बेस 3 दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, अगर log दिया हुआ है यहाँ पर x दिया हुआ है यहाँ y की पावर n दिया हुआ है, तो अगर जो वो बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा, log x बेस y ऐसा हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने n से मल्टीप्लाई भी करा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, इसको हमने कैसे लिखा, इसको लिख सकते हैं log 2 और ये 3 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया 2 अपॉन 2 कर दिया, ठीक है ना,
तो जो बाहर टू आता है, तो अगर इसकी पावर टू होगी तभी तो यहाँ पर टू आएगा, है ना। तो इसको टू मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/2, और ये log, ये क्या होगा 2 की पावर 2, और ये 3, तो सही किया ना मैं, क्योंकि ये 2 ये बाहर आ जाएगा, तो ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अगर इसकी पावर बाय हेल्प ऑफ इस फॉर्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर log यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि जो बेस की पावर होती है वो 1/2 में आती है बाहर, है ना। तो अगर बेस की पावर 2 होगी तो 1/2 में बाहर 1/2 आ जाएगी। तो इसी तरह से इसको हमने इस तरह बना लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसने ये लिख लिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, स्टम को और स्टम को कंपेरिजन करेंगे, तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 9 आ जाएगी, ठीक है ना। बेस, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है एक्स है, यहाँ पर बेस क्या है 9, तो एक्स इक्वल टू 9 हो गई। और जो ये होगा 1+√x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 1+√x की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 4, तो आप देख सकते हैं 1+√9 की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 इक्वल टू 4, दोनों इक्वल पार्ट हो गए। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, यहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ, तो थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट वन पे जाकर आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लॉगरिथमिक के पार्ट वन मिल जाएगा, वहां उसके देखकर आप जो बेसिक इसके जो फंडे हैं, जो थोड़ा सा ट्रिक्स हैं, वो आप वहां पर देख सकते हैं और फिर इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ लॉग एक्स बेस ई इंटू लॉग ई बेस 4 इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ एक्स, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जैसे कि ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो हम ये जानते हैं ये वाला फॉर्मूला कि लॉग ए बेस बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए अपॉन ए बेस सी, और यहाँ पर सी बेस पी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू दिया हुआ है लॉग एक्स, ये क्या होगा इतना 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई दिया हुआ है इंटू लॉग ई बेस 4 दिया हुआ है। अगर मैं इसको खोलूंगा, इसको ओपन करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा लॉग ई होगा ना, और इंटू यहाँ पर दिया हुआ लॉग ई बेस 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ई हो जाएगा, ये क्या होगा लॉग 4 हो जाएगा। तो लॉग ई से लॉग ई कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा आपका लॉग एक्स अपॉन में लॉग 4, तो लॉग एक्स और लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस 4 लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया कि लॉग एक्स बेस 4 इक्वल टू में क्या 3 दिया होता, तो 3 लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या किया यार कि लॉग एक्स इक्वल टू 3, और ये क्या होगा लॉग 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। इससे हमने लिखा कि लॉग एक्स अपन लॉग 4 इक्वल टू 3 हो गया ना, तो लॉग एक्स इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू लॉग 4 होगा। अब ये 3 क्या होगा, ये बाहर दिया हुआ, तो यहाँ पर इसकी पावर हम कर सकते हैं ना, तो लॉग 4 की पावर 3 हो जाएगा। अब क्या लॉग यहाँ पर बेस 10 होगा, जनरली यहाँ पर बेस 10, तो दोनों इक्वल, तो एंटी लॉग ले लेंगे, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो जो हमारा एक्स इक्वल टू क्या आ गया 4 की पावर 3 आ गया। तो 4 × 16 = 64, तो 64 इज द आंसर। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 64। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल बेसिक्स जो इसके ट्रिक्स हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसी सिमिलर हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लॉग बेस 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भी बेस 4 दिया हुआ है इक्वल टू 2। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि लॉग ए माइनस लॉग बी दिया हुआ है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं लॉग ए अपॉन बी, बशर्ते इसका जो बेस है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका बेस है वो क्या इक्वल ही है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं लॉग, ये बेस 4 था तो बेस 4 ले लिया, और अपॉन में हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख लिया, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है लॉग को हटाएंगे, तो लॉग को हटाने पर ये 4 यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ये इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। अब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई 16, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई -1, तो एक्स की वैल्यू क्या नेगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स की वैल्यू -1 इज इनवैलिड हो गई, यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा लॉग 0 हो जाएगा, लॉग 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 2 के इक्वल टू तो होगी नहीं, तो हमारा लॉग ये -1 इज इनवैलिड आंसर हो गया, 16 इज अ वैलिड आंसर, ठीक है। सो 16 हमारा हो गया वैलिड आंसर हो गया, ठीक। और चलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि नॉस्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये भी सिंपल है। यहाँ पर क्या है सिंपल, हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, जैसे लॉग एक्स की पावर वाई दिया होता है, तो हम क्या लिख लेते हैं वाई को बाहर निकाल लेते हैं, तो लॉग एक्स लिख लेते हैं ना,
तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ लॉग एक्स दिया हुआ है, लॉग एक्स स्क्वायर दिया हुआ, लॉग एक्स क्यू दिया हुआ है, तो हमने क्या किया लॉग एक्स लिखा जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ था तो बाहर ने आ गया तो टू लॉग एक्स हो गया, और यहाँ पर एक्स क्यू दिया हुआ था तो इसे बाहर कर लेंगे तो थ्री लॉग एक्स हो जाएगा। इस तरह से एन दिया हुआ है तो एन लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये क्या है एक से लेके एन तक ये क्या टर्म्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि सब में लॉग एक्स क्या है कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन, लॉग एक्स सब में कॉमन है। तो हमने लॉग एक्स को सब में कॉमन ले लिया, अब क्या बचा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन बचा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर सम क्या होता है, ये एक ए पी हो गई, ए पी का क्या होता है सम एस इक्वल टू होता है एन बाई टू, और यहाँ पर क्या होता है टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है एक ए पी होगी ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका हम सम निकालेंगे nth टर्म का, तो nth टर्म का सम क्या होता है 2a plus n minus 1 into t, जहां पर d की वैल्यू क्या है 1 है और a की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि a b की वैल्यू क्या है प्रथम पद a और d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या 2 minus 1 equal to 1, तो यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो n by 2 और 2 और a की वैल्यू 1 है तो 2 1 जब 1 plus n minus 1 और d की वैल्यू भी 1 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका n by 2 और यहाँ पर n प्लस वन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने टेकिंग log x एज कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर log x को कॉमन ले लिया और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया n by 2 n प्लस वन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है उसका सम होता है जो वो क्या होता है n by 2 n प्लस वन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर आपके जो लॉगरिथमिक से रिगार्डिंग जो बेसिक्स फंडे हैं तो उसको किस तरह से अप्लाई करना है आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो उनमें जो एप्टीट्यूड्स पूछा जाता है यहाँ पर आपको सभी एप्टीट्यूड्स से रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सभी के यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।